हेलो व्हाट्सअप पार्टीसामी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, मेरा नाम है अक्षय द्विवेदी और आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। सो गाइस यार, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यार, कैसे किया जाता है आउटलाइनिंग सोनू सूद सर का। ठीक है, मैंने सोचा था चलो उनकी ड्रॉइंग अब बनाई जाए और आप लोग को टीच किया जाए कि कैसे उनकी आउटलाइनिंग्स बना सकते हैं, बिकॉज आउटलाइनिंग्स काफी बेस होता है। ठीक है, अगर आउटलाइन अच्छी है तो शेडिंग भी अच्छी बनेगी और अच्छे से आपका ड्राइंग भी दिखेगा। ठीक है, सो यार इस वीडियो में जो मैं रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ, उस रेफरेंस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसा मैं कर रहा हूँ सेम उसी तरीके से आप भी कीजिएगा, डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाओगे आउटलाइन में। ठीक है, सो गाइस चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम फॉर ए। और वीडियो पे नहीं हो रहा चैनल पे नहीं हो रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अच्छे से इंप्रूव हो। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम फॉर ए। सो गाइस, यहां मैं यूज कर रहा हूं अपना 0.7 mm का लेड पेंसिल और यूज कर रहा हूं इरेजर, ताकि हमारा सिर्फ यही दो काम है हमारे पोर्ट्रेट बनाने के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप हम पहले क्या करेंगे, पहले हम एक अप्रॉक्सीमेटली एक लाइन बनाएंगे कि ड्राइंग कहाँ से शुरू होना है और कहाँ से ख़त्म होना है। ठीक है, अब मैं यहाँ ऊपर बनाऊँ, दैट इज़ यहाँ तक हम अप्रॉक्सीमेटली ड्राइंग को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग होगा ड्राइंग का। ठीक है, और ड्राइंग का जो एंडिंग है वो यहाँ तक आएगा। ठीक है, दैट इज़ नीचे तक ड्राइंग की एंडिंग आएगी। ठीक है, ये हमारा एक लाइक हम बोल सकते अप्रॉक्सीमेटली हम बना रहे हैं, ये कन्फर्म नहीं कि उतना ही होगा। ठीक है, सो अभी हम कर रहे हैं ऊपर वाले हेयर्स और नीचे वाले हेयर्स का एक मार्क। ठीक है, दैट इज़ ऊपर वाला जो हेयर है वो कुछ यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये हमारा कुछ बेसिक स्टेप्स है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पहले हम खींचेंगे, क्यों, बिकॉज जो पोर्ट्रेट है वो पोर्ट्रेट एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, आप देख सकते हो अभी मैं स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ, वो पोर्ट्रेट एकदम स्ट्रेट है, इसलिए हम उसमें एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। उसके बाद गाइस आपको एक ओवल शेप बना देना है, बिकॉज ह्यूमन का जो फेस होता है वो ओवल शेप में होता है। इस ओवल शेप के अंदर हमारा आइज, नोज और माउथ, ठीक है, उसके बाद हमारा जो चीक्स है वो सब पार्ट इस ओवल शेप के अंदर आएगा। तो एकदम आराम से बनाना है, पेंसिल को हल्के से पकड़ के ओवल बनाते रहना जब तक एग्जैक्टली एक ओवल बन ना जाए। अब गाइज यहाँ मैं एक मार्क कर रहा हूँ आइस का एरिया। ठीक है, यहाँ से आइस शुरू होगा और ऊपर एक आईब्रोज का एक छोटा सा लाइन करके मार्क कर दे रहा हूँ, और हेयर का इसको थोड़ा सा डार्क कर लेना इस लाइन को, ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए कि ये आइस की एरिया है। सो गाइज यार, यहाँ अब हम शुरू कर रहे हैं अपना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जहाँ हम क्या करेंगे, पोर्ट्रेट को जो भी रेफरेंस है उसको जूम कर लेंगे। ठीक है, पेपर के अकॉर्डिंग, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर सके। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे स्केल का। ठीक है, स्केल को यूज़ करके हम पहले मेजर करेंगे एक आइस को, जिसका आप देख सकते हो मेजरमेंट है 2.5। अब ह्यूमन फेस में क्या होता है, दोनों आइस का जो मेजरमेंट और दोनों आइस के बीच में जो डिफरेंस है उसका जो मेजरमेंट होता है वो सेम होता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो 2.5 था, दोनों आइस के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 2.5 है। ठीक है, उसके बाद ये जो एक और आइस है उसका भी आप मेजरमेंट देख लो ना, तो वो भी 2.5 एग्जैक्टली है। ठीक है, तो इसकी वजह से ना ये जो ह्यूमन फेस होता है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बन पाता है, बिकॉज दोनों मतलब सारे आइस का जो मेजरमेंट होता है ना वो किसी किसी में इक्वल होता है बहुत। सो गाइस, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 2.5 का पहले एक मेजरमेंट रख के उसको अच्छे से लाइन डाल के, पॉइंट डाल के ना एक आइस को पहले हम बना ले रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से है एग्जैक्टली, आप देखिए 2.5 हम मार्क करके पहले एक आइस बना लेंगे। ठीक है, आइस के अंदर की जो डिटेलिंग है उसको भी हम अच्छी तरीके से बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, जो 2.5 एक और डिफरेंस था उसको भी हम मार्क करेंगे, और आप देख सकते हो ये जो सेकेंड वाला आइज है वो थोड़ा नीचे की तरफ बेंड है। ठीक है, सो नीचे की तरफ हम उसको भी ऐसे ड्रॉ करेंगे फ्री हैंड, ऐसे आप बिना ग्रिड के एकदम एग्जैक्टली बना सकते हो थोड़ा मेजरमेंट का यूज़ करके। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको आईब्रोज भी मेजर करना है, ये सब भी करना है, वो सब आप अपने फ्री हैंड से अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा लाइक अंदाज से भी बना सकते हो। ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपको हेल्प होगा। तो अभी आप देख सकते हो मैं ऊपर की लाइनिंग्स बना रहा हूं, जो काफ़ी हेल्पफुल होती है हमारे आइज़ के लिए, थोड़ा रियलिस्टिक के लिए। इसके लिए मैं कोई भी मेजरमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ एक कोई भी हम बोल सकते हैं अपने आप अपने मन से मैं एक लाइन बना रहा हूं। सो गाइज यार, यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अब आईब्रोज को। ठीक है, आईब्रोज को बनाते वक्त ना आपको कोई भी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप एक अप्रॉक्सीमेटली अपने पेंसिल से ही थोड़ा अंदाज लगा के ड्रॉ कर सकते हो। ये आपके लिए ना फ्यूचर में फ्री हैंड पोर्ट्रेट में भी हेल्पफुल होगा, ये नहीं कि हर एक चीज़ आपको मेजर करके बनाना है।
सो गाइज यार, अब हम मेजर करने जा रहे हैं नोज़ को, ठीक है, कि आइस से नोज़ कितना नीचे है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल को आइस के एकदम स्टार्टिंग में रखेंगे, जीरो से रखेंगे और देखेंगे हमारा 2.3 आ रहा है, दैट इज़ नोज़ के स्टार्टिंग में, ठीक है। नीचे तक भी आप मेजर कर सकते हो लेकिन ऊपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे हमारा आ रहा था कुछ 2.3 करके, तो हम उसको भी मार्क कर लेंगे 2.2 या फिर 2.3। सेम वे हम लेफ्ट का भी मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करना शुरू कर देंगे एक लाइन बनाकर, ठीक है। सो गाइज यार, आप यहाँ देख सकते हो मैं एक ड्रॉ करूँगा स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन को क्यों मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए नोज का जो स्टार्टिंग है और जो एंडिंग है वो अच्छे से हमें पता चल जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं अच्छे से करेंगे तो हमारा नोज काफ़ी चौड़ा दिखेगा, दैट इज उसका जो ब्रेथ हो वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जो राइट वाला नोज का जो पार्ट है वो करेक्ट राइट वाले आइस से एकदम अच्छे से शुरू हो रहा है, लेफ्ट वाला भी लेफ्ट वाले आइस से एकदम करेक्ट नीचे से शुरू हो रहा है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें अच्छे से नोज के बारे में पता चल जाएगा कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ से ख़त्म करना है, ठीक है। सो गाइस यार, आप देख सकते हो अब हम नोज़ के जो आउटलाइंस है उसको भी अच्छे से ड्रॉ करना हमने शुरू कर दिया है। एक नोज़ के नीचे हमने एक स्ट्रेट लाइन डाला है, बिकॉज हम देख सकते हैं कि जो पोर्ट्रेट का जो नोज़ है वो एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, कोई भी बेंड नहीं है, तो हम भी एक स्ट्रेट लाइन डाल दिए। उसके बाद हम नोज़ के अंदर वाला भी पार्ट बना देंगे और जो शेड है उसको भी हम आउटलाइन का यूज़ करके डिफरेंट, मतलब उसको एकदम अलग दिखाएंगे कि उस जगह पर लाइट आएगा कि डार्क आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो हम शेड को भी मार्क कर रहे हैं। सो गाइज यार, अब हम मेजर करने जा रहे हैं नोज़ और लिप्स के बीच का जो डिफरेंस है, आप देख सकते हो वो है कुछ 1.5, ठीक है। दैट इज़ नोज़ और लिप्स के स्टार्टिंग का जो डिफरेंस है वो है 1.5, और पूरा जो लिप्स है उसका जो मेजरमेंट है वो भी है 1.5, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम पेंसिल का यूज़ करके पहले हम नोज़ और लिप्स का जो डिफरेंस है 1.5 करेंगे, फिर जो पूरा नोज़ है उसका भी 1.5 मार्क करेंगे, ठीक है। सो आप देख सकते हो पहले हम स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, दैट इज़ स्ट्रेट पोर्ट्रेट है ना, इसलिए स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम मार्क करेंगे 1.5, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1.5 दैट इज़ लिप्स का स्टार्टिंग, और यहाँ से भी हम 1.5 मार्क करेंगे, और बीच में हम क्या करेंगे एक लाइन बना देंगे, ठीक है। दैट इज़ आप देख सकते हो लाइक लिप्स का एक स्टार्टिंग लाइन है, ठीक है। सो गाइस, आपको याद होगा हमने नोज़ का जो साइड वाला लिया था कॉर्नर का मेजरमेंट करने के लिए, दैट इज़ वृत्त को मेजरमेंट करने के लिए, सेम उसी तरीके से हम लिप्स को करेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो, हम थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं जो लिप्स का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है कहाँ से शुरू किया जाए, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये जो लिप्स का स्टार्टिंग वाला पार्ट है राइट वाला, वो ये जो राइट आइज है ना उसके करेक्ट मिडल से शुरू हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे कि एक लाइन बना देंगे, दैट इज़ आइज से मिडल एकदम स्ट्रेट एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। तब यहाँ से हमारा लिप्स का थोड़ा ब्रेथ भी अच्छे से पता चल जाएगा, और यहाँ भी आप देख सकते हो फ़ोन के कॉर्नर में आइज के एकदम स्टार्टिंग से जो हम बोल सकते हैं लिप्स शुरू हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ लेफ्ट साइड वाला। तब हम अच्छे से, मतलब हमारा अब पता चल गया है कि कितना हमारा ब्रेथ होना चाहिए लिप्स का, तो अच्छी तरीके से हमारा लिप्स भी बन जाएगा। अब हम लिप्स को रेफरेंस के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेंगे एकदम अच्छी तरीके से, आराम से करना है, पेंसिल को ज़्यादा डार्क नहीं करना। मैं यहाँ थोड़ा डार्क बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, लेकिन आपको डार्क नहीं करना है, ठीक है, आपको आराम से बनाना है। सो गाइस यार, अब हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं हमारा फोरहेड का, ठीक है। उसके लिए आप आईब्रोज़ के एकदम बीच से मेजरमेंट कर सकते हो, या फिर नोज़ का जो बीच वाला पार्ट है ना वहाँ से आप मेजरमेंट कर सकते हो। मैं आईब्रो से कर रहा हूँ, जो अप्रॉक्सीमेटली मुझे 5 आया है, तो मैं यहाँ 5 मार्क कर दूंगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ, दैट इज़ फोरहेड यहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ भी एक ऐसे रफ स्केच थोड़ा बना लेते हैं। उसके बाद गाइस, हमारा जो चीक्स का जो साइड वाला पार्ट है वो कहाँ शुरू होगा, हम नोज़ के एकदम कॉर्नर से मेजरमेंट लेके वहाँ मार्क कर देंगे, ठीक है। सेम वे हम यहाँ से भी, इस वाले नोज़ से भी हम मेजरमेंट करके मार्क कर देंगे, ताकि अच्छी तरीके से हमारा जो एकदम चीक्स का जो पार्ट है, जितना भी मोटा है या फिर पतला है, वो अच्छी तरीके से हमें पता चल जाएगा। सो गाइस, अब हम क्या कर रहे हैं, लिप्स और जो चीक्स का जो पार्ट है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम मेजर कर रहे हैं और उसको मार्क कर रहे हैं। उसके बाद हम चीक्स का एरिया भी फाइंड कर लेंगे, मतलब कितने दूरी में है। उसके बाद हम आउटलाइनिंग भी शुरू कर देंगे आराम से।
सो गाइस, यहाँ हम मेजर कर रहे हैं लिप्स से और जो फेस का बेंड है वहाँ तक, ठीक है। बिकॉज ये हमारे जो फेस का जो बेंड होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो फेस के स्ट्रक्चर को भी अच्छे से बताता है, ठीक है। सो हम यहाँ लिप्स से मेजरमेंट करके मार्क कर देंगे, उसके बाद हम आउटलाइनिंग आराम से करेंगे, ठीक है। सो गाइस, ईयर्स को ड्रॉ करने के लिए आप देख सकते हो लिप्स से करेक्ट एकदम नीचे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ईयर्स, तो हम वहाँ मार्क कर लेंगे। उसके बाद गाइस, जो ईयर का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो आइज के करेक्ट एकदम नीचे से शुरू हो रहा है, तो हम वहाँ से एक सीधा लाइन ऐसे खींच देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईयर का, दैट इज़ मेजरमेंट, कि इतना बड़ा हमारा ईयर्स होने वाला है। तो अभी हम इसकी आउटलाइनिंग भी ख़त्म कर देते हैं। सो गाइज, यार हमारा जो सेकेंड ईयर है वो भी लिप्स के करेक्ट एकदम नीचे से शुरू हो रहा है, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी करेक्ट आइस के एकदम नीचे से शुरू हो रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो ये वाला ईयर्स ना काफ़ी अंदर की तरफ है, और लेफ्ट वाला जो ईयर्स था वो बाहर की तरफ था। ये आपके स्केच के ऊपर डिपेंड करता है, हमें सिर्फ मेजरमेंट चाहिए, ठीक है, और मेजरमेंट हमें मिल गया है अच्छी तरीके से। सो गाइज, यार हमारा हेयर्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से एक रफ स्केच भी हेयर्स का बना सकते हैं, इसके लिए भी कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेजरमेंट लेना है तब आप मेजरमेंट ले सकते हो, लेकिन मैं मेजरमेंट नहीं ले रहा, बिकॉज थोड़ा सा भी फ्री हैंड हमें प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए मैं मेजरमेंट नहीं ले रहा हूँ। बाकी तो हेयर्स बनाना बहुत ही ईजी है आउटलाइनिंग, तो हम कुछ इस तरीके से हेयर्स को भी बना देंगे, काफ़ी आसान तरीके से पूरे हेयर्स बन जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जिस तरीके से मैंने आउटलाइनिंग्स के बारे में बताया है, ठीक है। द थिंग इज, आपको भी ऐसे करना है। आप ये मत करिएगा कि आप हेयर्स के लिए भी, उसके बाद ईयर्स के अंदर जो है उसके लिए भी मेजरमेंट करो, नोज के ये वाला डिस्टेंस के लिए भी आप मेजरमेंट करो, ठीक है। उतना मतलब मत करो, नहीं तो बाद में ना आप छोटे छोटे ड्रॉइंग्स भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मेजरमेंट उन मतलब उस चीज़ों को लो जो लिटरली काफी डिफिकल्ट है ड्रॉ करने में। सो गाइस, यार ऐसे ही आप करना, डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाओगे। गाइस, सारे मेजरमेंट में मतलब कोई भी ड्राइंग बना रहे हो ना, सब में यही तरीका यूज़ कीजिएगा मेजर करने के लिए, ठीक है। सो गाइस, यार आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस, वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, यार चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, ठीक है। कमेंट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लव यू सो मच, बाय, कीप वॉचिंग, कीप डूइंग रियलिस्टिक, कीप वॉचिंग अक्षय दुबे आर्ट्स, फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम।